वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाजनपद इतिहास से संबंधित 50 जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों प्राचीन काल में इतिहास में हमारे भारत में 16 महाजनपद थे। जैसे अब वर्तमान में 28 राज्य थे वैसे ही 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजन को सम्राट अशोक ने जीता था और अखंड भारत का निर्माण किया था। वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ये 16 महाजनपद में था। क्वेश्चन नंबर 1, किन प्राचीन ग्रंथों में से इतिहास के 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अंगुत्तर निकाय महावस्तु बोध ग्रंथ में और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में महाजनपदों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंग महाजनपद कहाँ अवस्थित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में अंग महाजनपद अवस्थित था। इसके बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 3, अंग महाजनपद की राजधानी और 6वीं शताब्दी का श्रेष्ठतम व्यापारिक केंद्र कहाँ था? इस क्वेश्चन का उत्तर है चंपा नगरी। तो चंपा नगरी जो अंग महाजनपद की राजधानी थी और जो वर्तमान में भागलपुर के निकट गंगा और मालिनी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पे अंग महाजनपद का नाम याद रखने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा नगरी, तो अंगना में नाचे चंपा, तो अंग से चंपा, अंगना में नाचे चंपा, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा नगरी। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व का सबसे प्रमुख एवं शक्तिशाली अंग महाजनपद के पड़ोस में कौन सा महाजनपद था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मगध महाजनपद, जो अंग महाजनपद के से सीमा लगती है इस मगध महाजनपद की। अंग महाजनपद का उल्लेख जातक कथाओं, बौद्ध जातक कथाओं एवं अंगुत्तर निकाय में है। क्वेश्चन नंबर 5, मगध महाजनपद वर्तमान में कहाँ अवस्थित था? इस क्वेश्चन का उत्तर पटना एवं शाहबाद, तो वर्तमान में पटना एवं शाहबाद के विस्तार में मगध महाजनपद अवस्थित था, जो दक्षिण गंगा के दक्षिणी भाग में अवस्थित था मगध महाजनपद, और वर्तमान में दक्षिणी बिहार मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 6, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गिरिव्रज, इसे राजगिरी या राजगीर भी कहा जाता है। तो मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी, पहली राजधानी। क्वेश्चन नंबर 7, मगध महाजनपद की नई राजधानी पाटलिपुत्र को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कुसुमपुर, पुष्पपुर, पटना और पाटलिग्राम से नाम से भी जाना जाता है। और मगध महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में विस्तृत वर्णन है, इसे प्रजा राजा एवं राजग्रह के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 8, काशी महाजनपद कहाँ स्थित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित था काशी महाजनपद, इसे वाराणसी या बनारस कहा जाता है, राजा वानर के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, काशी महाजनपद किन नदियों के संगम पर स्थित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर वरुणा और अरसी, तो वरुणा और अरसी नदी के संगम पर काशी महाजनपद स्थित था, इसलिए वरुणा अरसी से वाराणसी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञान, शिष्य, व्यापार और समृद्धि के लिए सभी महाजनपदों के में श्रेष्ठ कौन सा महाजनपद था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर काशी महाजनपद, तो सभी महाजनपदों में श्रेष्ठ महाजनपद था। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने काशी को मगध में सम्मिलित कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अजात शत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था, तो अजात शत्रु ने काशी को मगध में सम्मिलित कर लिया था और काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस था। क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के शासक थे?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर वाराणसी के शासक थे अश्वसेन, जो एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 3, वज्जी महाजनपद में कितने गण राज्य थे? तो कुल 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे, बाकी के 14 महाजनपद राजतांत्रिक थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 8। तो वज्जी महाजनपद में कुल 8 गणराज्य थे, उनमें से प्रमुख गणराज्य कौन कौन थे? विदेह, लिच्छवी और ज्ञातुंग। विदेह, लिच्छवी और ज्ञातुंग प्रमुख गणराज्य थे, गणतंत्र थे। क्वेश्चन नंबर 14, वज्जी महाजनपद में लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है वैशाली थी। तो वज्जी से वैशाली होता है इसका राजधानी। तो वज्जी महाजनपद मगध के उत्तरी भाग में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 15, मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कुशीनारा और पावा। तो कुशीनारा और पावा मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, मुख्य रूप से कुशीनारा आती है। तो कुशीनारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देवरिया और उत्तर प्रदेश का कुशिया ग्राम आता है। वर्तमान में कुशीनारा कहाँ आती थी? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया और उत्तर प्रदेश का कुशिया ग्राम मल्ल महाजनपद की राजधानी था। और पावा, तो गोरखपुर का पावा नामक स्थल पावा था। यहाँ पे मल मतलब मल कुश्ती करते हैं, तो इससे आपका ट्रिक बनेगा मल से कुशीनारा। क्वेश्चन नंबर 16, कौशल महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित था कौशल महाजनपद। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित था कौशल महाजन। तो इसकी सीमा, तो कौशल महाजनपद की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी? तो पूर्व में गंडक नदी तक और पश्चिम में पांचाल मध्य दोआब तक थी कौशल महाजनपद की सीमा। क्वेश्चन नंबर 17, कौशल महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है पाली ग्रंथ एवं रामायण में मिलता है कौशल महाजनपद का उल्लेख, जो भगवान श्री राम की माता कौशल्या, कौशल महाजनपद थी, इसलिए उनका नाम कौशल्या थी। और पाली ग्रंथ एवं रामायण में मिलता है कौशल महाजनपद का उल्लेख। और जैसे कि कौशल महाजन के 2 विभाग में था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी कौशल की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है श्रावस्ती। उत्तरी कौशल की प्राचीन राजधानी थी वर्तमान सहेत महेत उत्तर प्रदेश में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी के कारण कौशल महाजनपद 2 विभागों में विभाजित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सरयू नदी। तो सरयू नदी कौशल महाजनपद को 2 विभाग में विभाजित करती है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कुशावती, दक्षिण कौशल की राजधानी थी। उत्तरी कौशल की नई राजधानी साकेत थी अयोध्या में वर्तमान में। और उत्तरी कौशल की पुरानी आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती। और दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी कौशल की नई राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है साकेत, तो अयोध्या में वर्तमान में है, तो उत्तरी कौशल की नई राजधानी थी। और पुरानी राजधानी जैसे आरंभिक राजधानी श्रावस्ती थी। और जैसे कि मैंने बताया इसके उल्लेख, कौशल महाजनपद का उल्लेख पाली ग्रंथ एवं रामायण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौशल का कौन सा शासक महात्मा गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर का समसामयिक था, समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत नामक शासक गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर का समसामयिक था। तो वर्धमान और गौतम बुद्ध का समकालीन था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी राजा बिंबिसार की पत्नी थी और कौशल देवी के गर्भ से अजात शत्रु का जन्म हुआ था, जिसने आगे चलकर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और राजगद्दी प्राप्त की थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में प्रसेनजीत का सराहनीय योगदान था। इनकी पत्नी रानी मल्लिका बुद्ध की उपासिका थी। क्वेश्चन नंबर 23, किसने मगध की राजगद्दी अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके प्राप्त की थी? इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने मगध की राजधानी अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके प्राप्त की थी, और अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी, उसके उत्तराधिकारी उदयन, उसका उत्तराधिकारी था जो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी।
यहाँ पे बिंबिसार का पुत्र था अजात, उसके बचपन का नाम, अजात शत्रु के बचपन का नाम क्या था, मोस्ट मोड़े कुणिक था। अजात शत्रु ने मगध की राजगद्दी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी। यदि भी यह एक घृणित कृत्य था तथा कि एक वीर और प्रतापी राजा के रूप में उसने ख्याति प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 24, अजात शत्रु ने कौन से जनपदों अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी महाजनपदों को अजात शत्रु ने अपने राज्य में साम्राज्य में मिला लिया था और विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। और इसका एक मंत्री था जो कुशाग्र बुद्धि वाला था, वत्सकार एक कुशाल राजनीतिक था जो अजात शत्रु का मंत्री था, महामंत्री था। क्वेश्चन नंबर 25, वत्स महाजनपद कहाँ स्थित था? क्वेश्चन नंबर 25, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी में, वर्तमान में इलाहाबाद के इर्द गिर्द वत्स महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 26, काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महाजनपद अवस्थित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर वत्स महाजनपद काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 27, सुक्तिमती और सौतिमती कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती और सौतिमती। महाभारत में शिशुपाल चेदी महाजनपद का प्रतापी शासक था। क्वेश्चन नंबर 28, चेदी महाजनपद की सीमा किस महाजनपद से मिली हुई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर कुरु महाजनपद से मिली हुई थी चेदी महाजनपद की सीमा। क्वेश्चन नंबर 29, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इस क्वेश्चन का उत्तर इंद्रप्रस्थ थी कुरु महाजनपद की राजधानी। तो महाभारत में जैसे कि वर्णन इंद्रप्रस्थ राजधानी पांडवों ने इसे बसाया था, और इससे पहले हस्तिनापुर थी कुरु की राजधानी, महाभारत में वर्णन आता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा महाजनपद रुहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य दुआब क्षेत्र में अवस्थित था? इस क्वेश्चन का उत्तर पांचाल महाजनपद, जो पांचाली द्रौपदी, तो पांचाल महाजनपद की रानी थी, राजकुमारी थी, इसके द्रौपदी को पांचाली भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, पांचाल महाजनपद के दो विभाग किस नदी के कारण थे? इस क्वेश्चन का उत्तर गंगा नदी के कारण थे पांचाल महाजनपद के दो विभाग। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। उत्तरी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? इस क्वेश्चन कांपिलिया थी, जिसके फरुखाबाद वर्तमान में आता है, कांपिलिया में है, फरुखाबाद में वर्तमान में, कांपिलिया दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, याद रखना है। और अहिछत्र वर्तमान में बरेली में आता है। क्वेश्चन नंबर 30, पांचाल महाजनपद की सीमा पूर्व में कौशल और पश्चिम में किस महाजनपद तक थी? तो इस क्वेश्चन का कुरु महाजनपद तक थी, हिमालय के तराई से लेके पूर्व सीमा में कौशल और पश्चिम में कुरु महाजनपद तक थी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा महाजनपद चंबल नदी से सरस्वती नदी तक फैला हुआ था? तो इस क्वेश्चन का मत्स्य महाजनपद चंबल नदी से लेकर सरस्वती नदी तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, अवंती महाजनपद के दो विभाग कौन कौन से हैं? कौन कौन से थे? इस क्वेश्चन का उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, अवंती महाजनपद के दो विभाग थे। क्वेश्चन नंबर 36, ऊपर जो 35 क्वेश्चन में वहाँ पे मत्स की जगह पे अवंती आता है, सुधरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी थी? इस क्वेश्चन का माहिष्पति दक्षिणी अवंती की राजधानी थी और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, मत्स्य महाजनपद का गौतम बुद्ध समकालीन शासक कौन था? यहाँ पे मत्स्य नहीं आता है, यहाँ पे अवंती आएगा। अवंती महाजनपद का गौतम बुद्ध समकालीन शासक कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का चंड प्रदोत, जो अवंती महाजनपद का गौतम बुद्ध समकालीन शासक कौन था? तो चंड प्रदोत, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से मगध सम्राट ने अवंती पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था? इस क्वेश्चन का शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण करके
विजय प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर से लेकर रावलपिंडी क्षेत्र में कौन सा महाजनपद था? इस क्वेश्चन मतलब गांधार महाजनपद का मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 14, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन मतलब तक्षशिला थी गांधार महाजनपद की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 41, विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मत्स्य महाजनपद की राजधानी था विराट नगर। क्वेश्चन नंबर 42, भरतपुर जयपुर और अलवर किस महाजनपद के अंतर्गत आते थे? तो इस क्वेश्चन का मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे भरतपुर जयपुर अलवर। क्वेश्चन नंबर 43, गांधार महाजनपद का पड़ोसी महाजनपद कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का कंबोज महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 44, हाटक या राजपुर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक या राजपुर भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 45, अस्मक महाजनपद किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो इस क्वेश्चन का गोदावरी नदी के किनारे स्थित था अस्मक महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवस्थित था? इस क्वेश्चन का अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश और राजस्थान में आता था। क्वेश्चन नंबर 47, चेदी महाजनपद के पश्चिम एवं कुरु के दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? इस क्वेश्चन का सूरसेन महाजनपद था। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में ब्रज मंडल एवं मथुरा किस महाजनपद में आते थे? इस क्वेश्चन का सूरसेन महाजनपद में आते थे ब्रज मंडल और मथुरा। क्वेश्चन नंबर 49, कौशल महाजनपद पद का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? क्वेश्चन का उत्तर पाली ग्रंथ एवं रामायण में प्रमुख रूप से मिलता है कौशल महाजनपद का। ये क्वेश्चन आ गया, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 50, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रवर्मन और सुदक्षिण किस महाजनपद के प्रसिद्ध शासक थे? क्वेश्चन का उत्तर कंबोज महाजनपद के प्रसिद्ध शासक थे चंद्रवर्मन और सुदक्षिण। तो यहाँ पे आप मैप में आप देख रहे हो सभी महाजनपद भारत के 16 महाजनपद। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है हमारा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू पर रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो पे।